आजादी का अमृत महोत्सव, भारत को आज आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को एस्टैब्लिश हुए 25 साल। तो इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा, उनका विजन है कि पैन इंडिया बेसिस पे हम एक लीगल अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें और इसी कैंपेन के एक हिस्सा हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस जस्टिस डीएन पटेल और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑनरेबल मिस जस्टिस विपिन सांगी साहब के नेतृत्व में एक नए प्रोजेक्ट का आगाज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है विधिक सहायक। इसका जो मेन मकसद है वो है कैदी भाइयों को रिफॉर्म करना, रिहैबिलिटेट करना और मेन स्ट्रीम में उनको रीइंटीग्रेट करना। मेरा ऐसा मानना है कि जेल में जितनी सजा वो काटते हैं उससे ज्यादा सजा उनको तब मिलती है जब वो जेल से रिहा हो जाते हैं, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो जेल का जो समय है, जितना टाइम वो जेल में है, वो उनको अच्छी शिक्षा दी जाए या उनके लिए ऐसे कार्य किए जाए कि उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग की जाए, और ये विधिक सहायक जो है ये यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके चलते हम कैदी भाइयों को 10 क्लासेस के जरिए उनकी स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उनको ऐसा बताएंगे कि वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे ज्वाइन करना है, और उनको ये बताया जाएगा इसमें कि एक लॉयर का असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, कैसे डायरी मेंटेन होती है, कैसे एक केस जो आज लगा हुआ है वो नेक्स्ट डेट पे जब भी एडजर्न होता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, या सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह कैसे बननी है। तो इन 10 क्लासेस के जरिए कैदी भाइयों को ये सिखाया जाएगा ताकि जेल से रिहा होने के बाद वो आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और बाहर निकलकर वापस ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे उन्हें वापस जेल में आना पड़े। तो इसी के चलते आज ऑनरेबल मिस जस्टिस डीएन पटेल, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस विपिन सांगी साहब के नेतृत्व में आज हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। कानून की बेसिक जानकारी, आपराधिक न्याय प्रणाली व पुलिस कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। चूंकि समाज में यहाँ से जाने के बाद समाज में लोग उतना इज्जत नहीं करते, लेकिन जब मुझको इसका कानून की जानकारी हो जाने के बाद लोग सम्मान के साथ देखते हैं। जब मैंने अटेंड किया तो दो बातें जो मुझे सबसे अच्छी लगी, एक तो मैं जिस केस में हूँ वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो पहले मुझे ये लगता था कि इसमें कभी बेल नहीं होगी क्योंकि इसका नाम नॉन बेलेबल है, लेकिन मुझे अब पता चला कि नॉन बेलेबल का मतलब वो नहीं होता जो हमें पता था। दूसरी बात, मेरे को क्योंकि गलत फंसाया गया है तो मैं ये सोचता था कि मैं इसका बदला कैसे ले सकता हूँ, तो मुझे एक एक्ट ऐसा पता चल गया जिससे मैं जाके कल सिविल सूट फाइल कर सकता हूँ और डिफेमेशन का एक मुकदमा मैं उन पर कर सकता हूँ जिन्होंने मेरे को मानहानि दी है।